मैक्सिकन गवर्नमेंट को दो एलियन लाशें मिली और ये दोनों एलियन लाशें 1000 साल पुरानी है। मैक्सिकन साइंटिस्टों का मानना है कि ये दोनों एलियन साउथ अमेरिका के नास्का ट्राइब के साथ रहते थे। दरअसल 2017 में मैक्सिकन रिसर्चर जेमी मोशान और उनकी टीम पेरू के नास्का सिटी के नास्का लाइंस में एलियन की खोज कर रहे थे और नास्का लाइंस में कुछ बहुत बड़े इंस्क्रिप्शन बने हुए और यहाँ के लोगों का मानना है कि ये एलियंस ने ही बनाए थे और यही ये दोनों लाशें भी मिली जो पृथ्वी पर किसी भी इंसान और जानवर से सबसे ज्यादा अलग है। इसके बाद तुरंत इन दोनों लाशों को मैक्सिको में शिफ्ट कर दिया और जब इन दोनों लाशों पर टेस्ट हुआ तो ये दोनों लाशें एकदम असली निकली। इसके बाद 13 सितंबर 2023 को मैक्सिकन गवर्नमेंट के सामने इन दोनों एलियन लाशों को रिवील किया गया और अगर आप इन दोनों एलियन लाशों को ध्यान से देखोगे तो आपको ये इंसान जैसी ही लगेगी, लेकिन इन दोनों एलियन लाशों की ना कि एक प्रॉपर हड्डी है जबकि ह्यूमन स्केलेटन में सिर्फ एक खाली कैविटी होती है और इन दो एलियन में से एक के पेट में 3 अंडे भी मिले। इसका मतलब ये एलियन बच्चे नहीं है, ये फुल ग्रोन एडल्ट एलियंस है, लेकिन फिर भी इनका शरीर एक छोटे इंसानी बच्चे जितना ही आकार में और इनका सर काफी लंबा और इनके हाथ और पैरों में सिर्फ 3 उंगली है। लेकिन कई साइंटिस्ट और फॉरेंसिक एक्सपर्ट का मानना ये भी है कि ये दोनों एलियन लाशें एकदम नकली है और इनको सिर्फ बनाया गया है।